गांव में एक काले बंदर का खौफ था। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा होता है तो अचानक वह भूतिया बंदर उसके सामने आकर उसे डराने लगता है। ए भूतिया बंदर, लगता है तू पिछली बार की मार भूल गया है, जो फिर से बंदर का भेष बदलकर इस गांव में आ गया है। अब की बार तेरी ये तरकीब काम नहीं करने वाली। अभी के अभी वापस लौट जा, अगर गांव वालों ने तुझे यहाँ देख लिया तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। चल निकल यहाँ से, मुझे शहर जाना है किसी काम से, मेरा समय बर्बाद मत कर। जब पप्पू उस भूतिये बंदर से नहीं डरता तो ये सब देखकर वह बंदर गुस्से में आ जाता है और पप्पू को जोर जोर से चिल्लाकर डराने लगता है। ए बेवकूफ इंसान, तुझे समझ में नहीं आता क्या? भाई मैं तेरी असलियत जानता हूँ, मुझे पता है तू इस भूतिये बंदर के भेष में भैरूपिया है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर जैसे ही पप्पू उसे सबक सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, वह बंदर जोर से उसकी टांग पर काट लेता है। अरे मर गया रे, हाय ये तो मेरी टांग ही खा गया, मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है। तभी वह बंदर गुस्से में आकर पप्पू की टांग को उसके शरीर से अलग कर देता है और उसकी टांग अपने दांतों में दबाकर वहां से भाग जाता है। अरे मर गया रे, ये बंदर तो असली निकला, मैं तो इसे बहरूपिया समझ रहा था, इसने तो मेरी टांग ही अलग कर दी। ए बंदर रुक जा, मेरी टांग वापस कर दे। हाय मर गया रे, हाय मैं तो लूला बन गया, हाय मेरी टांग ही कट गई। फिर जैसे तैसे पप्पू वापस अपने गांव पहुंचता है। हाय मर गया रे, हाय रे बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे काले बंदर तेरा नास मीटे, मेरी टांग ही चबा गया, हाय रे। अजी ये क्या हो गया, आपकी टांग कहाँ गई? वो कहीं घूमने गई है, पीछे पीछे आ रही होगी। मूर्ख औरत दिखाई नहीं देता क्या, मेरी टांग कट गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर उसकी पत्नी भाग कर जाती है और गांव के डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर उसकी कटी टांग देखकर हैरान रह जाता है। अरे पप्पू जी ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैं शहर जा रहा था तभी मुझे रास्ते में वो काला बंदर मिल गया, मुझे लगा वो कोई बहरूपिया है, ये सोचकर मैं उससे शक्तिमान बनकर लड़ने चल पड़ा, लेकिन वो कमबख्त भूतिया बंदर तो असली निकला, उसने मेरी टांग ही काट ली और उसे अपने दांतों में फंसा कर वहां से भाग निकला, हाय और मुझे जिंदगी भर के लिए लूला बना गया। हाय डॉक्टर, किसी तरह मेरी टांग वापस लगा दो ना। मैं तुम्हारी टांग को वापस तो जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी टांग की जरूरत पड़ेगी। अब मैं टांग कहाँ से लाऊं? वो कमबख्त भूतिया बंदर लेकर भाग गया। अगर 24 घंटों में तुम्हारी टांग तुम्हें वापस नहीं मिली तो फिर मैं उसे वापस नहीं जोड़ पाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या आप मेरी पत्नी की एक टांग काट कर मेरे शरीर से जोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपनी एक टांग दे दे तो। प्रियतम मेरी रानी, जरा मेरी बात तो सुनो। देखो जी मेरी तरफ तो देखना भी मत, अब भले ही जिंदगी भर लूले बनकर घूमते रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक टांग नहीं देने वाली। अरे भगवान यही तो मौका है अपना प्यार साबित करने का। नहीं जी मुझे अपनी टांग देकर कोई प्यार व्यार साबित नहीं करना आपको। तेरा नास मीटे मूर्ख औरत, मुझे पहले से ही पता था तू मुझसे प्यार नहीं करती। देखो तुम्हें कुछ भी करके अपनी टांग को 24 घंटे में ढूंढना होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वह डॉक्टर पप्पू की टांग पर पट्टी लपेट कर वहां से चला जाता है। अगला दिन होने पर पप्पू गांव में बाकी लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। पप्पू भाई ये कैसे हो सकता है, पिछली बार तो हमने खुद उस काले बंदर का पर्दाफाश किया था, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भाई तुम्हें क्या मेरी कटी हुई टांग दिखाई नहीं दे रही, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है हम मान लेते हैं कि अब की बार सच में कोई भूतिया बंदर है जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। आज से सभी गाँव वाले सतर्क हो जाएं, कोई भी रात होने पर अपने घर से बाहर ना निकले। ठीक है चलो अब सब अपने अपने घर चलते हैं। अरे भाई रुको रुको, मेरी टांग का क्या होगा, डॉक्टर ने मुझे मेरी टांग 24 घंटे में ढूंढने को कहा है, अगर आज मेरी टांग नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रह जाऊंगा। तो भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी टांग ढूंढने के चक्कर में हम भी उस भूतिये बंदर से अपनी टांग कटवा लें? नहीं भाई नहीं,
मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर इस पप्पू की बात सच निकली और जंगल में सच में वो बंदर मिल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। ऐसे मत कहो भाइयों, पिछली बार उस बंदर का पर्दाफाश करने में मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, अब की बार तुम सब मेरी मदद कर दो। ठीक है, अब तुम रोना शुरू मत कर देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रात होते ही हम सब जंगल चलेंगे तुम्हारी टांग ढूंढने। फिर रात होने पर पप्पू और कुछ गांव वाले जंगल में उस काले बंदर की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर उसकी तलाश करने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। फिर वे सब लोग उस गुफा की ओर चल देते हैं। अरे भाई ये देखो, यहाँ तो बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस गुफा में सच में वो भूतिया बंदर है। पप्पू भाई, मुझे लगता है यही तुम्हारी टांग है, इसने तुम्हारी टांग खा ली होगी और हड्डियां यहाँ फेंक दी हैं। अरे नहीं भाई, कैसी बातें करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो मेरे साथ गुफा के अंदर चलो, मुझे पूरा विश्वास है मेरी टांग गुफा के अंदर ही होगी। लगता है पप्पू भाई आज तुम हम सबको मरवा के ही छोड़ोगे। चलो जो हुआ देखा जाएगा। वे सब लोग गुफा के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर गुफा के अंदर चलने पर उन्हें वह भूतिया बंदर दिखाई देता है। वह बंदर पत्थर के ऊपर सो रहा होता है। वहीं थोड़ी दूरी पर पप्पू की टांग पड़ी हुई होती है। अरे पप्पू भाई, तुम तो सही कहते थे, यहाँ तो सच में वो बंदर है, और वो देखो तुम्हारी टांग भी वहाँ पड़ी हुई है। तुम चुपके से जाओ और अपनी टांग वहाँ से उठा लो। फिर पप्पू दबे पांव अपनी टांग उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वह उस भूतिया बंदर के बहुत पास पहुंच जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, कहीं इसकी आंखें खुल गई तो ये मेरी दूसरी टांग भी चबा डालेगा। फिर पप्पू चुपके से अपनी टांग उठा लेता है। पप्पू भाई बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया, अब चुपके से वहां से निकल जाओ। पप्पू चुपके से वहां से निकल जाता है और वे लोग वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। तभी उस भूतिया बंदर की नींद खुल जाती है, उसे बहुत भूख लगती है। फिर वह अपने भोजन को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वह टांग तो पप्पू उठाकर ले जा चुका होता है। फिर वह हैरान परेशान रह जाता है। तभी उसे गुफा में इंसानों की खुशबू आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसकी गुफा में जरूर इंसान आए थे। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में गाँव की ओर निकल जाता है। बाकी के गांव वाले गांव पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो लगता है ये उसी बंदर की आवाजें हैं। पप्पू भाई, हमने उस बंदर के मुंह से उसका निवाला छीन लिया है, अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उन्हें वह बंदर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे भागो रे, ये तो वही भूतिया बंदर है, अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। फिर वे सब भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। भाई अगर हम भागकर अपने गांव चले गए तो ये बंदर भी हमारे पीछे पीछे वहां पहुंच जाएगा, तब हमारी बीवी और बच्चों का क्या होगा। नहीं नहीं, हम इस बंदर को अपने गांव का रास्ता नहीं दिखा सकते। तुम सही कहते हो भाई, हम अपने गांव भी नहीं जा सकते, तो अब क्या करें? अगर यहीं छुपे रहे तो ये बंदर हमें जरूर ढूंढ लेगा। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर वे सब भागकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। देखो भाइयों, ये एक दलदल है, अगर हम किसी तरह उस बंदर को इस दलदल में फंसा दें तो हमारी तरकीब काम कर जाएगी। वे उस दलदल के ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रख देते हैं। अब हमें इस पत्ते के ऊपर उसके लिए किसी जानवर का मांस रखना होगा। मोहन तुम जाओ और किसी जानवर को मारकर जल्दी यहाँ लाओ। नहीं नहीं भाई, हम अपनी जान बचाने के लिए किसी बेजुबान जानवर की जान नहीं ले सकते। तुम एक काम करो, मेरी ये टांग ले लो। वाह भाई पप्पू, तुम्हारे इस फैसले ने तो हम सबका दिल ही जीत लिया। लाओ, मैं अभी इसी पत्ते पर इसे रख देता हूँ। फिर वे पप्पू की टांग को उस पत्ते पर रख देते हैं और पास में पड़े बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वह बंदर उन्हें सूंघता सूंघता वहाँ पहुँच जाता है और अपना भोजन देखकर खुश हो जाता है। जैसे ही अपने भोजन की ओर वह बढ़ता है, वह दलदल में फंस जाता है और उसी दलदल में डूबकर मर जाता है। इस तरह पप्पू अपनी टांग की कुर्बानी देकर पूरे गांव की जान बचा लेता है। गांव पहुंचकर राजेश पप्पू की बहादुरी के बारे में सबको बताता है। फिर पूरा गांव पप्पू की प्रशंसा करता है
और पप्पू की पत्नी को भी अपने पति पर खूब गर्व होता है।